फाइनेंशियल ईयर 18-19 की जीएसटी एनुअल रिटर्न यानी जीएसटीआर 9 और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट यानी जीएसटीआर 9C विच इज जीएसटी ऑडिट दोनों ड्यू हैं। फाइल करने के लिए लास्ट डेट है 30 सितंबर 2020। एनुअल रिटर्न इस बार की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसमें 3 सालों की एडजस्टमेंट होनी है, 2017-18, 2018-19 एंड 2019-20। और फॉर्म अभी इस तरह से रिवाइज नहीं किया गया है कि ये एडजस्टमेंट आप आसानी से कर लो, इसीलिए मैं आपके साथ जो चीजें शेयर करूंगी उससे आप बहुत ही आसानी से अपनी एनुअल रिटर्न फाइल कर पाएंगे। ये एनुअल रिटर्न फाइलिंग और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फाइलिंग बहुत ही ज्यादा ट्रिकी लगती है लोगों को, और ये है भी, बट अगर आप मुझसे सीखेंगे तो इजिली आपकी चाहे कितनी भी आपने गलतियां कर रखी हैं 18-19 की रिटर्नों को भरते हुए, सारी ठीक करने का सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगी। इसलिए आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है और इस वीडियो को शेयर करना है और भी लोगों के साथ, ताकि बहुत सारे लोग इसका बेनिफिट उठा के करेक्टली अपनी एनुअल रिटर्न और ऑडिट फाइल कर सके। आप देख रहे हैं सीए गुरु जी और मैं हूँ आपकी दोस्त पूजा। तो क्या करना है आपको कि आप एनुअल रिटर्न और ऑडिट बड़ी आसानी से गलतियों को ठीक करके फाइल कर सके, इसके लिए आपको मेरा 23 अगस्त को जो वेबिनार है वो ज्वाइन करना है। 23 अगस्त को हमने ये वेबिनार प्लान किया है, 4 to 7 PM, 3 घंटे का वेबिनार रहेगा। चाहे आप सीए हैं, टैक्स कंसल्टेंट हैं, प्रोफेशनल हैं, अकाउंटेंट हैं, बिजनेसमैन हैं या स्टूडेंट हैं, आप सभी के लिए ये कोर्स बड़ा रिलेवेंट है। इसमें ज्वाइन करने का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लाइव वेबिनार तो ज्वाइन कर ही पाओगे, साथ ही हमने यहाँ ऑप्शन दी है रिकॉर्डिंग की भी, कि आपको रिकॉर्डिंग भी 1 मंथ की अवेलेबल करा दी जाएगी, ताकि आप अपनी एनुअल रिटर्न बिना किसी गलती के आसानी से समझ सको, आसानी से फाइल कर सको। कैसे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी ये भी समझ लीजिए। इनपुट टैक्स क्रेडिट की अगर मैं बात करूं तो 12 केसेस मैंने बनाए हैं, लाइव आपको करके दिखाऊंगी और वो शीट्स भी आपके साथ शेयर होंगी, एक्सेल शीट्स, जिसमें हम ये केसेस प्रैक्टिकली करेंगे कि किस टेबल में कहां पे किस गलती का इंपैक्ट आना है। पहला केस रहेगा कि आईटीसी जो 18-19 का है वो आपने अवेल किया या रिवर्स किया फाइनेंशियल ईयर 19-20 में, ये 2 केसेस बनेंगे, 2 या 3 केसेस बनेंगे इसी में। फिर फाइनेंशियल ईयर 17-18 का आईटीसी जो आपने अवेल और रिवर्स किया था 18-19 में, उसका इंपैक्ट हम समझेंगे एनुअल रिटर्न फॉर्म की हर एक टेबल में जहां भी इसका इंपैक्ट है लाइव, और आपको वो फाइल भी दे दी जाएगी साथ में जिसमें हम वो करके दिखाएंगे आपको। केस 3 रहेगा आईटीसी का अमाउंट, अगर आपने सीजीएसटी एसजीएसटी क्लेम करना था, आईजीएसटी क्लेम कर लिया और उसे करेक्ट ही नहीं किया अभी तक, या फिर क्लेम उल्टा कर लिया, रिवर्स कर लिया, सीजीएसटी एसजीएसटी क्लेम करना था आईजीएसटी कर लिया, आईजीएसटी क्लेम करना था सीजीएसटी कर लिया, इस तरह की जो भी उलझने हैं आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड, वो सारी 12 केस स्टडीज के साथ, लाइव एग्जाम्पल्स के साथ प्रैक्टिकली आपको हर एक टेबल में फिट करते हुए बताई जाएंगी। और आउटवर्ड से रिलेटेड यानी सेल से रिलेटेड आपकी कौन कौन सी गलतियां हो सकती हैं, सेल आपकी मैच नहीं है 3B and 1 से और आपने डिफरेंस ऑफ सेल को शो कर दिया है 19-20 में, सेल आपकी मैच नहीं है और डिफरेंस को आपने शो ही नहीं किया अभी तक, सेल आपकी मैच नहीं है 3B and 1 से, कुछ डिफरेंस को तो आपने 19-20 में दिखा दिया था, कुछ को दिखाया ही नहीं, फिर आपकी 3B and 1 मैच्ड है पर फाइनेंशियल ईयर 17-18 का डाटा आपने 18-19 में दिखाया था, और सेल जो 3B and 1 की है वो मैच नहीं है, कुछ डिफरेंस को आपने 19-20 में दिखाया है, कुछ को अभी तक दिखाया ही नहीं, और साथ ही 17-18 का भी जो डाटा फाइनेंशियल ईयर 18-19 में दिखा रखा है। तो इन सभी का कैसे आपको करना है, सोल्यूशन क्या है, कैसे करेक्शन करनी है, लाइव आपको दिखाया जाएगा। इस तरह से बताया जाएगा कि आपके लिए फिर कोई इफ एंड बट रहेगा ही नहीं, क्रिस्टल क्लियर किया जाएगा पूरा कंसेप्ट। तो इस वेबिनार में ज्यादा से ज्यादा जुड़िए, आपकी हर एक क्वेरी का सॉल्यूशन किया जाएगा, ठीक है, इसके लिए इसका फायदा उठाइए। 23 अगस्त को वेबिनार है तो मेक श्योर जल्दी से जल्दी इसमें ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, बाय करने के लिए यहाँ से पहले ऑप्शन चूज कर लीजिएगा, फिर ऐड टू कार्ट कर लीजिएगा, ऐड टू कार्ट करके व्यू कार्ट पे क्लिक करने के बाद बस आपको अपना नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालना है और आप वहां से पेमेंट कर पाएंगे। पेमेंट के भी सभी ऑप्शन है, चाहे डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, वॉलेट्स हैं, नेट बैंकिंग है, एवरीथिंग इज अवेलेबल। और ये वेबिनार लाइव होगा, लाइव वेबिनार है और हमारी तरफ से जो रजिस्ट्रेशन का लिंक आएगा, जो पार्टिसिपेंट्स इसमें ज्वाइन करेंगे उनके ईमेल आईडी पर रहेगा, तो मेक श्योर अपनी एग्जैक्ट सही ईमेल आईडी
डाले या फिर मोबाइल पे आपके साथ कम्युनिकेशन रहेगा तो मोबाइल नंबर भी आप ना करेक्ट डालेगा। साथ ही हमारा जो जीएसटी कोर्स है इसमें हमें इतना अच्छा रिस्पांस मिला है सेकेंड बैच में, इसकी सीट्स ऑलमोस्ट फुल हैं, जल्दी ही हम सीट्स को क्लोज करने वाले हैं। तो आपको अगर एनरोल करना है तो जल्दी से कर लीजिए, बस कुछ ही 5 या 7 सीट्स ही हमारे पास बची हैं, हम इसे जल्दी ही क्लोज करने वाले हैं। और ऐसा ही आपके लिए एनुअल रिटर्न के साथ ना हो तो मेक श्योर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी एनरोल कर लीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरे कोर्सेज पसंद आ रहे हैं। एक और मेरा कोर्स है ट्रायल से ऑटोमेटिक बैलेंस शीट बनाना सीखें, इस पे भी हमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलता है, डेली पार्टिसिपेंट्स इसमें ज्वाइन करते हैं। तो बैलेंस शीट तो आप बनाते होंगे बट उसका ऑटोमेशन कैसे हो कि आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाए, वो भी बिना कोई टूल यूज किए, तो आप इस कोर्स को भी ज्वाइन करिए। सभी कोर्सेज के लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं लाइव वेबिनार में 23 अगस्त को। अगर आप एनुअल रिटर्न अपने आप बिना किसी गलती के फाइल करना चाहते हैं और साथ ही GST 9C की भी हम बात करें। मैं सोशल मीडियाज पे भी एक्टिव हूँ, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड टेलीग्राम, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम कोशिश करते हैं वहां भी आपके साथ अपडेट शेयर करने की। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। इम्पॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन पे तो क्लिक कर ही दीजिए, साथ ही दिया गया है एक बेल आइकन, इस पे जरूर प्रेस कर लें। इससे फायदा क्या होगा कि आपको हमारी वीडियोस की सभी नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी सबसे पहले और आप कोई भी इम्पॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं करेंगे।